हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले कि मेघा सॉफ्ट का जो नया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो पेमेंट का लिस्ट आया हुआ है उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आप कैसे अपना नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप का रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को दिया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए चैनल को, इस वीडियो को, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को आगे मिलते रहे। तो सबसे पहले आप लोग गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मेघा सॉफ्ट टाइप करना है। कोई भी देरी किए बिना हम आप लोगों को आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मेघा सॉफ्ट जैसे ही टाइप कीजिएगा यहाँ पर नीचे एक मेघा सॉफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मेगा सॉफ्ट या फिर पूरा टाइप कर दीजिएगा, आप लोग पूरा टाइप कर दीजिएगा तो आपका मेगा सॉफ्ट आ जाएगा। यहाँ पे पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर पहुँच जाइएगा मेगा सॉफ्ट के लाभार्थी पर। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को, आप अगर मैट्रिक में हैं तो ये वाला, और मैट्रिक का आपका एड नहीं हुआ तो मैट्रिक वाला, और इंटर वाला एड नहीं हुआ तो इंटर वाला। हम इंटर वाला बता देते हैं आप लोगों को। इंटर वाला पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर देखिए पेमेंट का लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट, ठीक है। यानी पेमेंट आने के लिए रेडी हो चुका है लिस्ट स्टूडेंट के लिए। चार लिस्ट बनाए गए हैं। अब आपको कोई भी लिस्ट में नाम नहीं है, सबसे पहले आप लोग को चेक करने के लिए इस लिस्ट पर क्लिक करना होगा। अगर टू पर क्लिक करेंगे तो टू पर चेक कीजिए, फोर पर है तो फोर पर चेक कीजिए। मैंने पिछला वीडियो बना दिया है कि कैसे चेक करते हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जिसका भी फोर में लिस्ट में नाम है वो अपना वेरीफाई कर लेंगे नाम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका 11 अप्रैल 2022 से पहले अगर लिस्ट टू में नाम है तो वेरीफाई कर लें। एंड अगर आपको यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप चूज कर लीजिए। एंड डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको अपना कॉलेज चूज करना है। कॉलेज चूज करने के बाद आपको फीमेल है तो फीमेल चूज कीजिए, मेल है तो मेल। उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक कीजिए। सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर नीचे आपका लिस्ट आ जाएगा। अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो, आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट का ऑप्शन होगा, रिपोर्ट पर क्लिक करके अब यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू वेरीफाई स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको चेक करना है कि आपका स्टेटस कहाँ पर रुका हुआ है। तो चलिए हम चेक करके आप लोगों को बता देते हैं कैसे चेक कीजिएगा। पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे वेरिफिकेशन में हम जब चेक किए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनलाइज भी नहीं हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग हमको क्या करना होगा कि एक एप्लीकेशन लिखना होगा इसके रिगार्डिंग। अब आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को हम बता देते हैं क्या करना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड के ऑप्शन पर जाना होगा, ठीक है, डाउनलोड नहीं, ग्रेवियंस के ऑप्शन पर एंड सबमिट योर ग्रेवियंस के ऑप्शन पर जाना होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप उसको बताएंगे कि हमारा जो डिटेल है वो सब सही है और हमारा जो डिटेल है वो वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है सबसे पहले एंड नाम सेलेक्ट कर, नाम लिख देना है। और नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, आपका जो ज़िला कौन सा है। एंड आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, वही वाला मोबाइल नंबर आप टाइप कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपने दिया था, ठीक है, अप्लाई करते वक्त। और ईमेल आईडी भी वही टाइप करना है जो ईमेल आईडी आपने दिया था। उसके बाद आपको टाइप ऑफ ग्रेवियंस, कौन सा ग्रेवियंस के लिए आप टाइप करना चाहते हैं। अगर आपको यूजीडी पासवर्ड नहीं मिला है तो आपको यूजीडी पासवर्ड के लिए यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपको रिक्वेस्ट टू चेंज कैटेगरी के लिए टाइप कर सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट फॉर ईमेल आईडी अपडेट, पेज नोट वर्क, किसी के लिए अगर आपको ऑर्डर करना है तो ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। एंड ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको टाइप करना है कि आखिर में किस कारण आपको यहाँ पर ग्रेवियंस देना पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपके यहाँ पे कोड डालना है, ठीक है, ये वाला जो कैप्चा कोड है वो आपको डाल देना है यहाँ पर एंड आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपको, जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और वो आपको रख लेना है, ठीक है, क्योंकि उसका काम आपको पड़ेगा आगे चल के। लगभग 1 वीक आपको वेट करना है। 1 वीक वेट करने के बाद आपको उसको आ करके यहाँ पर चेक करना है और आपका जो रिक्वेस्ट है वो हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाइड हो जाएगा और आपका पेमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, मैं 1 घंटे के अंदर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।